Good morning, friends. Okay, so today we are going to start with our third topic, that is non-verbal reasoning. Non-verbal reasoning से आज हम करने वाले हैं शुरुआत. I hope आप सब लोग तैयार हो. अभी तक हमने logical reasoning complete किया है, हमने verbal reasoning complete किया है. आज हम complete करेंगे non-verbal. Rather, आज हम शुरू करेंगे non-verbal reasoning के discussion से. Okay, so verbal और non-verbal में फर्क क्या? Verbal reasoning में हमने अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स के बेसिस पे रीजनिंग सीखा, ठीक है. सो वहां पे जो भी क्वेश्चंस थे, दे इन्वॉल्व्ड इधर द वर्ड्स, स्टेटमेंट्स, पैराग्राफ्स और अल्फाबेट्स और नंबर्स. अब इन केस ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल का मतलब यहाँ वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे किसके बेसिस पे एनालिसिस किया जाएगा? यहाँ पे रीजनिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अदर देन वर्ड्स. मीन्स ठीक है, डायग्राम्स दिखाए जाएंगे, कुछ चार्ट्स दिखाए जाएंगे, ठीक है, इमेजेस दिखाई जाएंगी, जिसके बेसिस पे आपको रीजनिंग सीखना है. तो मित्रों, ये टाइप का रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन होता है. समराइज वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है. जैसे आप वो सीरियल्स देखते हो ना, वो इन्वेस्टिगेशन वाली सीरियल्स जो होती है, ठीक है, या ऐसे क्रिमिनल सीरीज होती है, तो जैसे स्पेशल ऑप्स जैसे सीरियल्स देखी होगी आपने, सीरीज देखी होगी, या कई ऐसे टाइप की सीरीज होती है जिसमें वो जो सोचने वाला जो हीरो होता है उसमें, उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंच जाता है, ठीक है. सो कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है, वो उनको कोरिलेट करता है, इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है, ये इवेंट यहाँ पे इस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, उस इवेंट का उसके साथ क्या रिलेशन होगा, ऐसे सोच सोच के ही अराइव्स एट सम कंक्लूजन. That itself is non-verbal reasoning, मित्रों. तो non-verbal reasoning अलग-अलग non-verbal reasoning में अलग-अलग topics हैं. वो topics हमें study करने हैं. ठीक है. So basically non-verbal reasoning is the technique of reasoning without the use of alphabets and numbers. It is the technique of reasoning with the help of images, diagrams, charts. ठीक है. उसको हम कहते हैं मित्रों non-verbal reasoning. तो non-verbal reasoning science के basis पे, जैसे for example science. जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस नहीं कहा मैंने, साइंस कहा. ओके, मैं जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वो कहीं पे भी आपने ट्रैफिक रूल्स के बोर्ड जहां देखे हैं वहां पे वो लिखे हुए होते हैं या सांकेतिक होते हैं, यानी इमेजेस से आपको बताया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आगे वाला रोड जो है वो वन वे है, तो वहां पे वन वे का साइन होता है, वहां पे ऐसे बोर्ड पे लिखा नहीं होता प्लीज दिस रोड इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर वन वे ट्राफिक, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता, रिटर्न नहीं होता है. क्यों? अगर आप किसी भाषा में लिखते हो तो नॉट नेसेसरी वो भाषा सबको आए, नॉट नेसेसरी सारे लोग पढ़े लिखे हो. वही अगर आप कोई सिंबल बना के दिखाते हो तो सिंबल सबको समझना, सिंबल देख के सब लोग समझ सकते हैं. तो मित्रों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग की जो तकनीक है ना, इससे सब लोग अवगत होते हैं. Everyone is aware about this non-verbal reasoning. Non-verbal reasoning दुनिया की सबसे बेस्ट रीजनिंग मानी जाती है, क्योंकि ये कोई भी समझ सकता है. तो इसलिए सबसे पहले जमाने में, पुराने जमाने के लोगों को जब कुछ भी पता नहीं था, तो वो साइंस का इस्तेमाल करते थे फॉर कम्युनिकेशन. तो सबसे पहला मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो हुआ था मित्रों, वो नॉन वर्बल रीजनिंग था, ठीक है. साइंस वर यूज्ड, लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड लेटर ऑन. तो वर्बल रीजनिंग का तो ओरिजिनेशन बहुत बाद में हुआ, उसके पहले नॉन वर्बल रीजनिंग ही था. हाँ, भले ही आजकल के जमाने में आपका वर्बल रीजनिंग बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग नॉन वर्बल रीजनिंग का इस्तेमाल ही ज्यादा होता था, ठीक है. सो नॉन वर्बल रीजनिंग यानी क्या, ये समझ में आ गया. नॉन वर्बल रीजनिंग इज द टेक्निक ऑफ रीजनिंग विदाउट मेकिंग यूज ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स, बट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, चार्ट्स, ड्रॉइंग्स, डिजाइंस. ओके, तो उसी में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग. तो आइए करते हैं शुरुआत एनालिटिकल रीजनिंग के साथ. अब एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन नेचर. ये क्वालिटेटिव रीजनिंग भी माना जाता है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी माना जाता है. क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि कम समय में रीजनिंग होता है. क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा को एक साथ समराइज करके रीजनिंग करना मुमकिन होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टडीज कर रहे हो, स्टडीज करते हो, जब आप समरी में नोट्स निकालते हो ना, समरी नोट्स, चार्ट्स वगैरह बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, पूरे डेटा का समरी आ जाता है, यानी पूरे एक पेज को आप एक चार्ट में बिठा देते हो, फिट कर देते हो, फर्स्ट थिंग,
ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो कवर हो जाता है, और क्वालिटी क्यों, क्योंकि इतने चार्ट को देख के तुरंत आप कंक्लूड कर सकते हैं, तुरंत आपको चीजें याद रह सकती है। सो एनालिटिकल रीजनिंग को क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रीजनिंग की टेक्निक भी माना गया। पीपल यूज एनालिटिकल रीजनिंग टू स्क्रूटिनाइज द स्पीच डॉक्यूमेंट्स डायग्राम्स चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड गैदर द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। दोस विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स विल कंसिडर हाउ की एलिमेंट्स within that information relate to one another and are more likely to notice crucial patterns and details. Analytical reasoning करते वक्त आपको चीजें link करना आना चाहिए, हर एक चीज का दूसरी चीज के साथ क्या relation है वो समझ में आना चाहिए, patterns establish करने आने चाहिए और data को ठीक से analyze करना आना चाहिए। Analytical reason measures a candidate's critical thinking and problem solving skills. तो एनालिटिकल थिंकिंग के टॉपिक में जहां पे हमें डायग्राम्स वगैरह दिए जाएंगे तो आपको डायग्राम्स देख के चीजों को फटाफट ग्राफ्स करना है, कि वहां पे कुछ लिखा नहीं जाएगा, वर्ड्स नहीं होंगे, नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है, डायग्राम्स होंगे, बस वो डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द थिंग्स फ्रॉम द डायग्राम। डेटा में भी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिटन पैसेजेस ग्राफ्स टेबल्स और शेप्स वेयर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ इमेजेस दे हैव मच इन कॉमन विद इंडक्टिव रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट। रिटन एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस असेस many of the same skills as verbal reasoning test, ठीक है? So जहाँ written problem भी इसमें हो सकता है, लेकिन maximum written questions जो है, यानी जहाँ पे words का इस्तेमाल हुआ है, वो तो हमने verbal reasoning के वक्त discuss कर चुके हैं। तो non-verbal reasoning में यहाँ पे words के basis पे questions नहीं आएंगे आपको। Analytical reasoning evaluates inductive and deductive reasoning. Analytical reasoning जो है, वो inductive as well as deductive reasoning दोनों को इवैल्यूएट करने का काम करती है, ठीक है? सो शायद मित्रों आपको याद होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग ये दो वर्ड्स आए थे अपने डिस्कशन में, कहां आए थे वो भी आपको याद दिला दें। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, जब मैंने लॉजिकल रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है ये बताया था, शायद आपको याद होगा शायद, ठीक है? सो मित्रों रिविजन करना बहुत जरूरी होता है तो चीजें याद रहती है, अगर आप रिविजन नहीं करते तो कैसे याद रहेगा आपको। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद तो भी चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ हमेशा के लिए, तो याद दिलाते रहूंगा, जब तक हो मेरे साथ तब तक मैं दिलाऊंगा आपको सब कुछ याद। चलो सो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बता देते हैं। जब किसी एक स्पेसिफिक चीज से, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है तो ऐसे टाइप के रीजनिंग को हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्शन यानी एक से अनेक तक, एक चीज के लिए जो रूल अप्लाई किया है उसी से आप बाकी चीजों के लिए भी आप वो रूल अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा एकेडमिक्स में 12th में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेता है तो उसके माँ बाप सोचते हैं बाबा अपना बच्चा बहुत होशियार है, ठीक है, और इसी से वो कंक्लूड करते हैं बाबा इसको क्या बनाना है अपने को, यानी उसका एक रिजल्ट से उसका पूरा भविष्य तय होता है। चलो और एक, जब एप्पल ऊपर से नीचे गिरा था तो सिर्फ एप्पल गिरा था ना, ऊपर से नीचे क्या गिरा था, सिर्फ एक सिंगल एप्पल गिरा था। अब एक आइटम के गिरने के वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटी सारे आइटम्स के लिए अप्लाई किया गया, यानी ऐसे नहीं है हमारे न्यूटन भाई साहब ने हर एक चीज उठा के ऊपर फेंकी है, ठीक है, और उसने उन्होंने चेक किया कि हर एक चीज नीचे आ रही है क्या, ऐसे किया क्या, ठीक है, यानी तुरंत उन्हें एप्पल ऊपर से, यानी एप्पल ऊपर से नीचे गिरा भाई सबको समझ में आ गया कुछ ना कुछ फ्लाय कि चीज ऊपर से नीचे आती है, तो उन्होंने तुरंत एप्पल की पेड़ तोड़ लिया और वो ऊपर से फेंका, ऊपर फेंका नीचे आया, ठीक है, अपने बीवी बच्चों को उठा के ऊपर से नीचे फेंका वो भी नीचे आ रहे क्या, नहीं चेक किया, ठीक है, पत्थर फेंके, एरोप्लेन फेंका, हर एक चीज फेंकते गए वो, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया ऐसे है क्या, नहीं। तो एक चीज के, एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप सारे आइटम्स के लिए, पूरे पॉपुलेशन के लिए रूल अप्लाई कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल सैंपल व्हेन यू अप्लाई और व्हेन यू डिराइव अ रूल, व्हेन यू इंड्यूस अ रूल एंड दैट रूल बिकम्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द आइटम्स दैट इज द एंटायर पॉपुलेशन, देन सच टाइप ऑफ रीजनिंग इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। तो बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग इज फ्रॉम एक से अनेक, एक से अनेक इज इंडक्टिव रीजनिंग, एक आइटम के लिए जो रूल एप्लीकेबल है वही सबके लिए एप्लीकेबल होगा, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। Now, what is deductive reasoning? Deductive reasoning यानी बहुत सारी items को observe करके, ठीक है, उनके observation से जो conclusion निकला है, वो किसी particular observation को apply करना is your deductive reasoning. जैसे for example, corona patient को, बहुत सारे patient को study करने के बाद, ठीक है, उन्होंने कुछ ये symptoms निकाले corona patient के,
सर्दी खांसी जुकाम व्हाटएवर, ठीक है, सोर थ्रोट वगैरह वगैरह कुछ ऐसे उन्होंने ये निकाले। अब यानी इतने सारे लोगों को जिनको कोरोना हुआ है उनको ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, किसी एक पेशेंट को चेक करते वक्त उस पेशेंट के लिए वो सारे रूल्स अप्लाई करके देखते हैं जो सारे पेशेंट के सिम्टम्स है वो सिम्टम्स इस पर्टिकुलर पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, और उसके बाद वो तय करते हैं उसकी टेस्ट करनी है या नहीं, उसके बाद उसको कोरोना है या नहीं ये तय किया जाता है। सच टाइप ऑफ रीजनिंग इज नोन एज मित्रों डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग इज द तरीका वेरिन फ्रॉम जनरल द रूल इज अप्लाई टू द स्पेसिफिक, अनेक से एक इज डिडक्टिव रीजनिंग, एक से अनेक इज इंडक्टिव रीजनिंग। जब अनेक से एक को एक के लिए रूल बनाया जाता है तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था, ठीक है। सो एनालिटिकल रीजनिंग जो इंडक्टिव रीजनिंग में भी काम करता है डिडक्टिव रीजनिंग में भी। चलो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का डेफिनेशन भी दे दिया यहां पे आपको। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टॉपिक पब्लिक सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सच इंफॉर्मेशन, यानी एक स्पेसिफिक से जनरल की ओर बढ़ना, स्पेसिफिक से किसी एक आइटम के ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट से जनरल के लिए रूल अप्लाई करना इज इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, नाउ एग्जांपल भी दिए, एवरी क्विज हैज बीन इजी, यानी अभी तक हमने हर एक क्विज जो दिए हैं वो हमने उसमें बहुत अच्छे मार्क्स, जैसे हमने अभी क्लास टेस्ट लेते हैं हम आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, तो हर एक एक दो चैप्टर की टेस्ट लिए उसमें आपने अच्छा स्कोर किया, तो इससे मैं जनरल लगाऊंगा, आगे के टेस्ट में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है, ये एक जनरल कंक्लूजन निकालूंगा। एवरी क्विज हैज बीन इजी देयरफॉर द टेस्ट विल बी इजी, ठीक है। उसके बाद द टीचर यूज्ड पावर पॉइंट इन द लास्ट, जैसे मैं आपको पढ़ाते वक्त पावर पॉइंट एनिमेशन का इस्तेमाल करता हूँ, तो कल की लेक्चर में मैंने पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में भी मैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा क्या? बिल्कुल। द टीचर यूज्ड पावर पॉइंट इन द लास्ट फ्यू क्लासेस देयरफॉर द टीचर विल यूज द पावर पॉइंट टुमारो एज वेल। एवरी फॉल there have been hurricanes in the tropics this coming fall, okay, so har bar barish mein aandhi aati hai ya barish ke mausam ke waqt zarur tufaan aata hai, theek hai, so is bar jab barish hogi to uske waqt bhi tufaan aane wala hai, theek hai, ya iske baad jab bhi barish hogi tab tufaan aayega hi aayega, that is inductive reasoning। तो इंडक्टिव रीजनिंग में एक दो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप जनरल के लिए रूल अप्लाई कर देते हो। नाउ ऑन द अदर हैंड व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल से जनरल के लिए जो रूल एप्लीकेबल है जनरल से वो रूल स्पेसिफिक के लिए अप्लाई करना इज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अनेक से एक इज डिडक्टिव, एक से अनेक इज इंडक्टिव। तो डिडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ लॉजिकल कंक्लूजन based on one or more given statements or premise, ek se zyada premise ke basis pe conclusion arrive karna is deductive reasoning। uske bhi example, all students eat pizza, general hai sare bacche jo hai na pizza pasand karte hai, pizza khate hai, to ram is also a student, it means ram ko bhi pizza pasand hoga, hai na, all students eats pizza, raman is a student at kkm, therefore raman eats pizza। उसके बाद ऑल एथलीट्स वर्क आउट इन द जिम, सारे एथलीट्स जो है सारी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जिम जाते हैं, जिम करते हैं, ठीक है। तो अगर करण ये भी एथलीट है तो वो भी जिम जाता होगा, ठीक है। सो सारे क्रिकेटर्स जिम करते हैं, तो अगर श्रेयस अय्यर या विराट कोहली एक क्रिकेटर है इसका मतलब विराट कोहली जी भी जिम करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रीजनिंग को हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं मित्रों। आई होप आपको यहाँ तक का डिस्कशन समझ में आया होगा। अब एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चंस के लिए मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस के लिए मैं आपकी मदद और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन, एक इमेज दी है, सिंगल इमेज दी है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ढूंढने हैं मित्रों। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने रहेंगे इसमें, देखो अब प्राइम ऑफ इसे ऑब्जर्व करने का, एक दो तीन चार पांच छह ट्रायंगल्स तो आपको यहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो आराम से छह ट्रायंगल मिल गया। अब इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल लेके आया, यस छह के बाद देखो ये एक आ गया, सातवा ट्रायंगल ये है ना, ओके। उसके बाद देखो ये एक आ गया, आठवा ट्रायंगल है ना, उसके बाद ये एक आ गया, नाइन्थ ट्रायंगल है ना, उसके बाद ये एक आ गया, टेंथ ट्रायंगल,
उसके बाद ये एक आ गया इलेवेंथ ट्रायंगल, है कि नहीं? ठीक है, सो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए? 11 ट्रायंगल हो गए आपके, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने थे, तो देयर आर इन ऑल 11 ट्रायंगल्स। एक बार चेक कर लीजिएगा आपको इससे ज्यादा मिल रहा है क्या। 11 के बाद मित्रों और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये एक ट्रायंगल जोड़ के हमारा से 12th ट्रायंगल, ये एक 12वां ट्रायंगल है, ये 13th ट्रायंगल, 13 नंबर का ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद और एक छोड़ गया, ये एक बड़ा ट्रायंगल ऐसा 14th ट्रायंगल, और ये एक ऐसा 15th ट्रायंगल। हाँ तो मित्रों कुल मिला के 11 नहीं बल्कि यहाँ पे 15 ट्रायंगल है, ठीक है। सो देर आर इन ऑल 15 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, 15 ट्रायंगल है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं ऑब्जर्व करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है फिगर से, इमेजेस को अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फटाफट आंसर जा जाता है। ओके चलो और भी एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, अब इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप ढूंढिएगा, आराम से ढूंढना है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। सो चलो जैसे आपको हेल्प करते हैं समझने के लिए कैसे फटाफट आंसर डिराइव करने हैं मित्रों आपको। देखो यहाँ पे अगर देखें बस इतना पार्ट ऑब्जर्व कीजिएगा, एक पार्ट क्योंकि इसी से सिमिलर ऐसे चार पार्ट्स हैं, ठीक है। सो एक का आंसर निकाल दिया तो चारों पार्ट्स का आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल है? 1, 2, ये एक, ये ऐसा एक ट्रायंगल है बराबर, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ये दो तो है, प्लस ये पूरा बड़ा वाला एक ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल है, ठीक है। सो ऐसे 4 केसेस है, तो 4 × 3 ये 12 ट्रायंगल्स अपने नाप लिए, ठीक है। अब अंदर के ट्रायंगल्स नापते हैं, अंदर के ट्रायंगल्स कितने होंगे? सेम 1, 2, ठीक है, और ये कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। सो 3, तो और अंदर ऐसे है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2 और कंप्लीट 3, तो ये हो गए 6, ठीक है, 6, 7 और 8, तो ऐसा 8 ट्रायंगल ये हो गए। उसके बाद आप बड़े वाले ट्रायंगल्स के ऊपर फोकस कीजिए इसमें से, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो गया बड़ा वाला, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। सो वो दो ट्रायंगल्स आ गए, ओके। उसके बाद कितने हो गए? 10, 22, और देखिएगा कौन से ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ट्रायंगल्स मिल सकते हैं ठीक से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी ये बड़ा वाला पिक्चर देखिए, एक ये ऐसा वाला एक ट्रायंगल मिल गया और ऐसा वाला दूसरा, ठीक है, दो ट्रायंगल यहाँ पे और दो ट्रायंगल इस साइड पे, तो ये 4 ट्रायंगल इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 22 + 4 कितने आ गए अभी तक? 26 ट्रायंगल्स आ गए। और कोई ट्रायंगल बनता है क्या? ठीक से देखेंगे तो मिल जाएगा जरूर। ठीक से ऑब्जर्व कीजिएगा, और दो ट्रायंगल्स हैं इसमें, आपको जरा ठीक से ऑब्जर्व करो मिल जाएंगे। देखो ये दो मिस कर दिए हमने, ये एक और ये एक मिस कर दिया, तो ये दो जोड़ने के बाद अपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाते हैं 28, ठीक है। सो 28 ट्रायंगल्स हैं मित्रों इस इमेज में, ठीक है। सो आराम से देखना है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं, यू कैन असाइन अल्फाबेट्स टू देम, हर एक पॉइंट को एक अल्फाबेट असाइन कीजिएगा, जैसे ए इसको असाइन किया, बी सी डी, हर एक पॉइंट को एक अल्फाबेट असाइन करने का, डी के बाद ई एफ जी रैंडम बेसिस पे आपके मुताबिक, देन एच आई जे, एच आई जे, ओके जे, के एल एम, तो जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यानी दो लाइन एक दूसरे को काटती है वहां पे यू कैन असाइन द ट्रायंगल्स, ठीक है। और आप लिखते जाइएगा एक एक ट्रायंगल, ठीक है, यानी बाद में याद रहेगा,
जैसे ABC का एक ट्रायंगल आ गया, देन दूसरा मैंने बताया था आपको ACD का दूसरा ट्रायंगल आ गया, देन ABD का एक ट्रायंगल आ गया, ABD का, ऐसे तीन ट्रायंगल मैंने आइडेंटिफाई किए थे इनटू ऐसे हर एक इनटू चार केसेस 12 ट्रायंगल, तो ऐसे करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टोटल मित्रों आपको 28 ट्रायंगल्स मिलेंगे इसमें से, यू विल गेट टोटल 20 ट्रायंगल्स। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मित्रों। इसके आगे के जो MCQs है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कल के लेक्चर में अपना ये पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग का, ठीक है। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एनालिटिकल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग इज द वे ऑफ एनालाइजिंग द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, यानी डायग्राम्स या चार्ट्स आपको दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको डेटा एनालाइज करना है और कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सो एनालिटिकल रीजनिंग इज यूज इन डिडक्टिव रीजनिंग एज वेल एज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब स्पेसिफिक से जनरल तक जाना इज इंडक्टिव रीजनिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन को स्टडी करके आपने कंक्लूजन सबके लिए ड्रॉ करने हैं, जनरल के लिए अप्लाई करने हैं, तो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब जनरल ऑब्जर्वेशंस करके किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। सो इन दोनों के बारे में मैंने बताया, एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बताया, और हमने एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए मित्रों। तो आज के सत्र के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे चलते चलते, हैव ए नाइस डे, ठीक है। सो कल के लेक्चर में बच्चे भी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और फिर हम टाइम इफ टाइम परमिट्स तो वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो हैव ए नाइस डे। सो कल के लेक्चर के लिए आज का पूरा डिस्कशन जो है वो रिवाइज करके आना है सब लोगों ने, ठीक है। ओके चलो, सी यू, बाय।